हेलो स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो कक्षा 9 हिंदी क्षितिज के लिए है। यह वीडियो हिंदी का अध्याय 4 यानी सांवले सपनों की याद से संबंधित है। आज का यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में अभ्यास में दिए गए सारे प्रश्नों का उत्तर हम लिखेंगे। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, एक बार बचपन में सालिम अली की एयरगन से एक गुरैया घायल होकर गिर पड़ी। बचपन में खेलने के दौरान सालिम अली की एयरगन से एक गुरैया घायल हो गई और यह घायल गुरैया उनके सामने आकर गिर पड़ी। इस घटना से सालिम अली काफी हताहत हुए और उन्हें काफी खराब महसूस हुआ। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। वे गुरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। इस घटना के पश्चात सालिम अली का मुख्य ध्यान पक्षियों की सुरक्षा और उनकी देखभाल पर रहा। वे पक्षियों के संबंध में तरह तरह के खोजबीन में जुट गए। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी समुदाय की ओर मुड़ गई। इस प्रकार वे पक्षी प्रेमी बन गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 2, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध किया था। उस समय केरल की साइलेंट वैली को पर्यावरणीय खतरा था। साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाना था। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सालिम अली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले और उनसे अनुरोध किए कि इस वैली को पर्यावरणीय संकट से कैसे बचाया जाए, इस संबंध में उपयुक्त कदम उठाने का अनुरोध भी किया। उस समय केरल पर रेगिस्तानी हवा के झोंकों से पर्यावरण को काफी खतरा था। वहां का पर्यावरण दूषित हो रहा था। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गुरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं? प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, लॉरेंस एक साधारण व्यक्तित्व के स्वामी थे और उनका स्वभाव बिल्कुल खुला खुलासा था। उनके बारे में किसी से कुछ छिपा नहीं था। इसलिए लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा कहती है कि लॉरेंस के बारे में एक गुरैया भी ढेर सारी बातें बता सकती है। प्रश्न संख्या 4 में हमें आशय स्पष्ट करना है। प्रश्न में दिया गया है, वह लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। इस वाक्य का हमें आशय स्पष्ट करना है। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, लॉरेंस बहुत ही सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे। वे प्रकृति प्रेमी थे और प्रकृति के प्रति उनके मन में जिज्ञासा थी। सालिम अली का जीवन भी लॉरेंस की ही तरह बिल्कुल सुलझा और सरल था। प्रश्न में अगला वाक्य दिया गया है, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उससे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? इस वाक्य का हमें आशय स्पष्ट करना है। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि मृत व्यक्ति को कोई जीवित नहीं कर सकता। हम चाहकर भी उसमें कोई हरकत नहीं ला सकते हैं। इसी प्रकार प्रश्न में अगला वाक्य दिया गया है, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। इस वाक्य का आशय क्या है?
प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, सालिम अली प्रकृति प्रेमी थे जो प्रकृति के खुले संसार में खोज करने के लिए निकल पड़े थे। चूंकि सालिम अली ऐसे व्यक्ति थे जो प्रकृति को काफी प्रेम करते थे, वे प्रकृति के हर चीजों के बारे में जानना चाहते थे, उनके बारे में खोज करने के इच्छुक थे, इसीलिए वे तरह तरह के चीजों को अच्छी तरह से अवलोकन करते थे और खोज करने के लिए निकल पड़े थे। वे स्वयं किसी सीमा में कैद नहीं थे। सालिम अली हर क्षेत्र में अपना दृष्टि डाले हुए थे, चाहे वह पक्षी हो या अन्य जीव जंतु हो, इसलिए वे स्वयं किसी भी सीमा में अपने को कैद नहीं रखे थे। वे किसी टापू की तरह किसी स्थान विशेष या पशु पक्षी विशेष में सीमित नहीं थे। सालिम अली प्रकृति के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते थे, प्रकृति के रहस्य के बारे में वे जानना चाहते थे, इसके लिए वे तरह तरह के चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा किया करते थे। वे किसी विशेष पशु या पक्षी के बारे में सीमित नहीं थे, बल्कि वे पूरे प्रकृति के बारे में जानकारी लेना चाहते थे। सालिम अली अथाह सागर की तरह प्रकृति में जो अनुभव किए उन्हें संजोए। उनका कार्य क्षेत्र व्यापक एवं विशाल था। अब अगला प्रश्न देखेंगे। इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की चार विशेषताएं बताइए। दिए गए पाठ सांवले सपनों की याद के लेखक की भाषा शैली के बारे में हमें चार विशेषताएं लिखनी है। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, लेखक के भाषा शैली की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता यह है कि इनकी भाषा अत्यंत सरल एवं सहज है, जिससे कोई भी आसानी से समझ सकता है। अगली विशेषता है, लेखक ने भाषा में हिंदी के साथ साथ कहीं कहीं उर्दू तथा कहीं कहीं अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी किया है। इनकी भाषा शैली की तीसरी विशेषता यह है कि इनकी भाषा शैली चित्रात्मक है, जिससे पढ़ते हुए घटनाओं का चित्र उभर कर हमारे सामने आता है। और चौथी विशेषता है, अपने मनोभावों को प्रस्तुत करने के लिए लेखक ने अभिव्यक्ति शैली का प्रयोग किया है। इस प्रकार इस प्रश्न के जवाब में हमने चार विशेषताओं का उल्लेख किया। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, सालिम अली प्रकृति प्रेमी थे। उनके मन मस्तिष्क में प्रकृति तथा पक्षियों के प्रति कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। उनका स्वभाव भ्रमणशील होने के कारण वे लंबी लंबी यात्राएं किया करते थे। सालिम अली एक साधारण इंसान थे, वे प्रकृति से काफी लगाव रखते थे। उनके मन मस्तिष्क में हमेशा प्रकृति और पक्षियों के बारे में जानने की इच्छा रहती थी, और इसी उद्देश्य से वे भ्रमणशील थे, यानी वे हर जगह जाया करते थे, तरह तरह के चीजों को देखा करते थे, इसके लिए वे लंबी लंबी यात्राएं भी किया करते थे। व्यवहार में वे सरल सीधे और भोले इंसान थे। वे चकाचौंध और दिखावे की मानसिकता से दूर रहते थे। इस प्रकार सालिम अली एक सच्चे एवं महान व्यक्तित्व के स्वामी थे। प्रश्न संख्या 7, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। प्रस्तुत पाठ यानी सांवले सपनों की याद के शीर्षक की क्या सार्थकता है यह हमें बताना है। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, सांवले सपनों की याद शीर्षक लेखक जाबिर हुसैन द्वारा अपने मित्र सालिम अली की याद में लिखा गया है। जो पाठ है यह पाठ को लिखा गया है जाबिर हुसैन के द्वारा। जाबिर हुसैन ने अपने मित्र सालिम अली के निधन के पश्चात यह पाठ को उनकी याद में लिखा है। उनकी मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने यहाँ व्यक्त किया है। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे। सालिम अली ऐसे व्यक्ति थे जो प्रकृति से प्रेम किया करते थे। वे पक्षियों के बारे में तरह तरह की जानकारी इकट्ठा किया करते थे, और वे जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में ही खोए रहे।
वे हमेशा पक्षियों की सुरक्षा और उनकी खोज के सपनों में खोए रहते थे। इसलिए उपर्युक्त पाठ के माध्यम से लेखक ने सालिम की आंखों में बसने वाले यादों को व्यक्त किया है। सालिम अली पक्षियों से प्रेम किया करते थे और पक्षियों की कल्याण के बारे में सोचा करते थे। उनकी इन्हीं यादों को इस पाठ के माध्यम से लेखक ने व्यक्त किया है। अतः सांवले सपनों की याद एक सार्थक एवं रहस्यमय शीर्षक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? इस पाठ में हमने देखा कि सालिम अली एक प्रकृति प्रेमी व्यक्ति थे। वे पर्यावरण को बचाने के लिए हमेशा कोशिश में रहते थे। इस प्रश्न के जवाब में हमें ये बताना है कि पर्यावरण को बचाने के लिए हम अपने स्तर से क्या योगदान दे सकते हैं। ताइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए हम निम्नलिखित योगदान दे सकते हैं। पहला काम हम कर सकते हैं, खाली भूमि पर वृक्षारोपण कर। वृक्ष हमारे मित्र हैं। अगर इस धरती पर वृक्ष नहीं होंगे तो फिर हमारा भी जिंदा रहना संभव नहीं होगा। इसीलिए खाली भूमि पर हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके पर्यावरण को बचा सकते हैं। अगला काम जो हम कर सकते हैं वह है वृक्षों की कटाई को रोककर। वृक्षों की कटाई से पर्यावरण असंतुलन होता है, इसीलिए जहां तक संभव हो सके वृक्षों की कटाई को हमें रोकनी चाहिए। अगला कार्य है प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का प्रयोग बंद कर। प्लास्टिक पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक होता है। प्लास्टिक का जैव निम्नीकरणीय नहीं होता है और यह जब तक पर्यावरण में पड़ा रहता है तब तक यह पर्यावरण को दूषित करता है। इसीलिए हमें चाहिए कि प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का प्रयोग हमें जहां तक हो सके बंद कर देना चाहिए। इसी प्रकार अगला कार्य है कृषि में विषैले रसायनों का कम से कम उपयोग कर। आजकल किसान भाई कृषि में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जहरीले रसायनों का प्रयोग करते हैं। वे हानिकारक उर्वरक, कीटनाशक और पीड़कनाशक का उपयोग करते हैं। इन विषैले रसायनों के कारण हमारी जल, भूमि और पर्यावरण दूषित होती है। ये हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं और हमारे पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए कृषि में विषैले रसायनों का कम से कम उपयोग किया जाना चाहिए। अगला कार्य जो हम कर सकते हैं वह है कारखानों से निकलने वाले कचरों का उचित प्रकार से निपटारा करके। अक्सर ऐसा होता है कि जो कारखाने होते हैं ये नदी के किनारे होते हैं और कारखानों से निकलने वाले कचरे सीधे नदी के जल में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। ये कचरे अत्यंत हानिकारक होते हैं, इसलिए इन कचरों को नदी में सीधे प्रवाहित करने से पहले उनका उचित प्रकार से निपटारा किया जाना चाहिए ताकि जलीय तंत्र हमारा बेकार न हो जाए। अगला कार्य जो हम कर सकते हैं वह है ध्वनि प्रदूषण कम करके। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि शादी विवाह या किसी भी उत्सव में तेज आवाज में बाजा बजाया जाता है जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है और यह ध्वनि प्रदूषण पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इसलिए जहां तक संभव हो सके ध्वनि प्रदूषण को हमें कम किया जाना चाहिए। अगला कार्य जो हम कर सकते हैं वह है बिजली के अनावश्यक बर्बादी को बंद कर। बिजली के उत्पादन के लिए पर्यावरण पर जोर पड़ता है, इसीलिए जहां तक संभव हो सके बिजली के अनावश्यक बर्बादी को हमें रोकना चाहिए। इन सारे कार्यों से हम पर्यावरण को बचाने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से पाठ में दिए गए सारे प्रश्नों को हमने बारीकी से समझा और उन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए वीडियोज के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।